वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं पल्स पैनोरमा। तो मेरी चाय रेडी है और उसके साथ आज मैं खाने वाली हूँ ये। आई नो कि एक या दो खाने से पेट भर जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है मैं दो तीन भी खा लेती हूँ, मतलब तीन चार भी खा लेती हूँ, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। तो अभी मैं यही खा लूंगी, उसके बाद देखते हैं कि ब्रेकफास्ट और कुछ क्या बनाते हैं क्या नहीं। और इसी टाइम पे मैं थोड़ी देर घर पे भी बात कर लूंगी, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलनी तो जरूरी है ना। चलो तो अभी टाइम क्या हो रहा है वो भी मैं बता दूं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9, एक्चुअली 9 बजे भी नहीं, अभी भी 10 मिनट बाकी है 9 बजने में, और मुझे अभी तक मालूम नहीं है कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाऊंगी। तो अभी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटर बनाया है। बैटर में मैंने लिया है एक एग, आप चाहो तो दो ले सकते हो। उसके साथ मैंने दिया है व्हीट फ्लावर या आटा बोलते हैं जिसको, आप चाहो तो मैदा यूज कर सकते हो, लेकिन वो उतना हेल्दी नहीं रहता है, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आटे के साथ मैं ये ट्राई करती हूँ। और इसमें ये जो ग्रीन आप देख रहे हो ये क्या है, ये है स्प्रिंग अनियन जो घर पे ही मैं बनाती हूँ, आप लोग मतलब उगाती हूँ, आप लोग को मालूम ही है वो। और उसके साथ मैंने लिया है नमक, आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च और ऑनियन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने आज कुछ भी ऐड नहीं किया है, हरी मिर्च भी मैंने ऐड नहीं किया है, बस थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मैंने ऐड किया है, बस इतना ही। इसको अच्छे से देखो क्या हो गया, देखो जब भी मैं दूध उबालने के लिए बैठाती हूँ इंडक्शन पे, मतलब ज्यादातर टाइम ये होता है, इसीलिए मुझे गैस पे दूध उबालना ज्यादा पसंद है। मतलब अब इसे साफ करो और बाकी के काम भगवान। तो अभी ऑयल गर्म हो गया है और मैं इसमें स्प्रेड कर दूंगी। ये अच्छा लगता है खाने में और मतलब हेल्दी भी रहता है। घर पे जब मम्मी बनाती थी तब तो ज्यादा टेस्टी लगता था, और यहाँ पे आने के बाद मैंने उतना ज्यादा ये कभी बना के खाया नहीं। एक्चुअली आज सुबह मम्मी से बात हो रही थी तो मैं उन्हीं से पूछ लिया मैंने कि आज क्या खाए मम्मा, ब्रेकफास्ट में मन नहीं हो रहा है कुछ बनाने का। तो वो बोलते हैं ना मम्मा के पास, मम्मा लोगों के पास हर वक्त हर चीज का आंसर रहता है, बस पूछने की देरी होती है। तो मम्मा ने बोला कि ये बना के खा ले, क्योंकि मुझे ये पसंद था पहले भी और आज भी, तो बस वही। तो ये थोड़ा सा नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे पलट दूंगी। ऐसा नहीं है कि घर पे खाने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन अकेले खाने के लिए ना आई रियली डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ होता है। अकेले कुछ भी खुद के लिए बना के खाना अच्छा नहीं लगता, मतलब वो फील नहीं आती है, भूख भी शायद कम ही लगती है। और अभी घर से कॉल आ गया तो ये बन गया मेरा ब्रेकफास्ट, और इसके साथ मैं थोड़ी सी अचार ले लूंगी और फिर यम यम, ये मतलब पूछ के खाने में जो टेस्ट होता है ना। तो चलो मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे बात करती हूँ। बनेगा इन तीन आइटम के साथ ही बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिया है मसूर का दाल, दो अंडे और ऑनियन। तो जो प्रिपरेशन मैं आज बनाने वाली हूँ दोपहर को खाने के लिए, उसे बंगाल में तो बोलते हैं डीमेर बड़ा, हिंदी पे आप क्या बोलोगे, अंडे का बड़ा।
हाँ वैसा ही कुछ। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले इस मसूर के दाल को, मैंने यहाँ पे छोटे कप में 1 कप लिया है मसूर का दाल, इसको अच्छे से धो के हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर पे। अलग कटोरी में 2 एग के साथ वो ग्राइंड किया हुआ जो दाल है उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब उस मिक्सचर पे हम ऐड करेंगे चॉप किया हुआ अनियन और ग्रीन चिली को भी चॉप करके उसमें ऐड करेंगे। आप चाहो तो ग्रीन चिली को स्किप करके रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी, और उसके साथ हम ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक। तो चलिए पहले ये बना लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे कि बाकी का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मुसर के दाल को अच्छे से पीस लिया है, और मैं आप लोगों को बता दूँ उतना सा जितना मैंने पहले दिखाया था 1 कप, उससे तो कम लग रहा था मुझे, इसीलिए मैंने और 1 कप मुसर की दाल को ऐसे अच्छे से पीस लिया। मैंने आज थोड़ा सा पतला बना लिया है, आप चाहो तो कंसिस्टेंसी थोड़ा सा आप थिक रख सकते हो, तो इसके लिए आप 2 की जगह 1 अंडा भी यूज कर सकते हो, और या तो आप मसूर की दाल जो है उसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। ग्रेवी में वो सारे बड़े को दे दिए हैं, तो ग्रेवी के लिए मैंने क्या क्या किया मैं आपको बताती हूँ। ये जो प्याज दिख रहे हो इसको ऑयल में फ्राई कर लिया था, और उसके साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्च इसको एक साथ मिक्सी में ग्राइंड करके इसमें दे दिया। अगर आपके पास कच्चे टमाटर हो तो आप वो भी ग्राइंड करके इसमें दे सकते हो, लेकिन मैंने आज इसमें टमाटो सॉस यूज किया है। तो सब कुछ एक साथ दे के मैंने मसाले को अच्छे से भून लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा और धनिया उसको भी मिक्सी में ग्राइंड कर लिया और उसको भी इसमें दे दिया, ऐड कर दिया, और फिर नमक हल्दी अपने स्वाद अनुसार देना है, और फिर पानी दे देना है। पानी जब उबाल लेना स्टार्ट कर दे तो सारे बड़े ऐड कर दो। बस हो गया हमारा टेस्टी एक बड़ा करी, मुसूर दाल एक बड़ा करी एक्चुअली। शाम के 6:30 और अभी मैं और हिरन में थोड़ी सी मूढ़ी माखा खाएंगे। हम बंगाली लोगों के लिए ये मूढ़ी माखा बहुत स्पेशल है। शाम के टाइम में चाय के साथ हम बहुत कुछ खाते हैं, जैसे कुछ फ्राई करके या फिर कुछ भी नाश्ता जो हम बोलते हैं। तो अभी मैं किचन में जाऊंगी और चाय और वो मुड़मुड़ा मिक्स बना के लाऊंगी। तो चलिए चाय के साथ मैं आप सबके बीच में लौटती हूँ।
तो ये रही हमारी शाम की चाय और मुरमुरा मिक्स। इसमें और क्या ऐड कर सकते हम? तो सबको क्या बोलना है अभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे गाली दे, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ पे तो ये मिलता ही नहीं है, मुड़मुड़ा मिलने मतलब ढूंढते ढूंढते तो महीने गुजर जाते हैं। हाँ, जैसे लास्ट टाइम। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली बाहर साउंड हो रहा है ना, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लोज कर लिया। लास्ट टाइम 10 किलोमीटर यहाँ से दूर एक टाउन है, वहाँ पे जाके एक दुकान में अच्छा सा मुड़मुड़ा मिला था। कितने दिन पहले? ये ऑलमोस्ट 3 महीना हो गया था। 3 महीना? क्या उससे भी पहले? 3 महीने से पहले। ओके ठीक है। उस टाइम मिला था तो वही टेस्ट भी अलग होता है। एक्चुअली हम लोग जो मूढ़ी खाना पसंद करते हैं, मूढ़ी और मुड़मुड़ा, वो एक्चुअली बंगाल में कैसा अलग टेस्ट है। एक्चुअली वहाँ का चावल मतलब मुड़मुड़ा बनाने का चावल ही अलग होता है, और यहाँ के लोग जो मुड़मुड़ा खाते हैं ये ज्यादा मोटे मोटे है, ये ज्यादा ही फ्लफी। ऐसे नहीं, वो सामने दिखाना पड़ेगा। ये ज्यादा ही फ्लफी और मोटे है। ये देखो दिख सकते हो आप? जितना दिखा सकते हैं हमने दिखा दिया। बट हम कोलकाता और वेस्ट बंगाल का मुड़मुड़ा ऐसा नहीं होता। नहीं, वो थोड़ा पतला जैसा होता है, इसीलिए टेस्टी भी होता है, क्रंची भी बहुत ज्यादा होता है। जब आप अपने तरफ से अपने लोगों के लिए कुछ गिफ्ट कर पाओ, खरीद पाओ, तो अच्छा फील होता है। सही में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने हिरणमय के लिए एक शर्ट खरीदा है सरप्राइज देने के लिए। तो ये रहा वो शर्ट, रेड कलर का, और ये भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है, और उसे मालूम ही नहीं था कि ये उसके लिए आने वाला है। और स्टोरी तो बहुत लॉन्ग है, मेरा प्लान कुछ और था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो ये है हिरणमय के लिए। अब बाकी के सारे जो पूजा ओरिएंटेड जो कुछ भी शॉपिंग है वो एक ब्लॉग में मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन तब तक के लिए बाय। सब अच्छे से रहो, खुश रहो, और फाइनली ये ब्लॉग यहाँ पे मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ, अच्छे से बोल के कंप्लीट कर पा रही हूँ। तो चलो आज के लिए यही तक, गुड नाइट।